हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग प्राइम टेक विद रोहित यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस करप्टेड पेन ड्राइव के बारे में। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक पेन ड्राइव है और यह पेन ड्राइव दोस्तों करप्टेड है और दोस्तों इसके अंदर मेरा बहुत सारा डाटा पड़ा है। यह पेन ड्राइव 64 GB का है और इसके अंदर मेरा 58 GB का डाटा पड़ा है और यह पेन ड्राइव करप्टेड हो चुकी है। इसको मैं अपने लैपटॉप में, पीसी में, कंप्यूटर में, किसी भी चीज में एक्सेस नहीं कर सकता हूँ और ऐसे में दोस्तों हमें इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि बिना फॉर्मेट किए हुए कैसे आप अपने पेन ड्राइव के डाटा को रिकवर करेंगे। दोस्तों, आपने अपने पीसी में कमांड भी रन करके देख लिया, सिस्टम CHK DSK लगा के भी देख लिया, आपका पेन ड्राइव वर्क नहीं कर रहा है या फिर उसे आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, किसी भी प्रकार से आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। और मैं इसमें जैसे दोस्तों देखिए, मैं लैपटॉप में अगर मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो यह क्या बताएगा, फॉर्मेटेड डिस्क बिफोर यूज, मतलब डिस्क आफ्टर यूज, सॉरी, मतलब इसको फॉर्मेट करने के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंसर्ट करते हैं अपने पीसी में और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया, यहाँ पे देखिए दोस्तों फॉर्मेटेड डिस्क आ गया, 3-4 बार ओपन होगा और फॉर्मेटेड डिस्क आएगा, उसके बाद ही दोस्तों मैं इसको यूज कर पाऊंगा। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो फॉर्मेटेड डिस्क, तो इसको जो है कि मैं यूज नहीं कर पाता, जब मैं इसको फॉर्मेट करूंगा तभी मैं इसको यूज कर पाऊंगा। अगर मैं दोस्तों इसको कैंसिल करता हूं तो ये इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूं। जैसे मैं अगर यहां पे जाता हूं अपने फाइल एक्सप्लोरर में या फिर दिस पीसी में जाके मैं इसको चेक करता हूं तो दोस्तों यहां पे इस कुछ भी शो नहीं करेगा। यहां पे देखिए लोडिंग आ रहा है, इसकी वजह से मेरा लैपटॉप भी हैंग हो जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको किसी भी कंप्यूटर में जाना है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन का लिंक दिया होगा, उसको जाके आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो दोस्तों इसको मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, कैंसिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें ब्लैंक हो जा रही हैं, यहाँ पे USB भी शो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, दिस PC में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 USB मेरे पास शो कर रहा है, USB ड्राइव E और USB ड्राइव F 2 शो कर रहा है, दोनों में कोई भी चीज़ें शो नहीं कर रही। अगर इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम तो इसकी प्रॉपर्टीज भी दोस्तों हमें 0-0 दिखाएगी, 0 bytes 0 bytes। ठीक है, यहाँ पे हम इसको करेंगे, प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, इसमें भी दोस्तों 0 byte आ रही है। ये इसके अंदर दोस्तों मुझे पता है कि 58 GB का डाटा मैंने रखा है, इसके अंदर वीडियोस हैं, फोटोज हैं और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। तो आपको करना क्या है, अगर बहुत सारे लोग का, बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी देखा जहाँ पे दोस्तों कमांड रन के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे मैं दोस्तों अगर मैं CMD या फिर यानी अपने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो भी एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे मैंने इसको ओपन किया, सिस्टम 32 bit है, CHK DSK, मेरा ई फोल्डर था, ई ड्राइव लगाया, /F कोर्स रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है द टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम इज रॉ, CHK DSK इज नॉट अवेलेबल फॉर रॉ ड्राइव। तो दोस्तों यह मेथड भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब क्या हमारे पास लास्ट मेथड बचता है, उसके लिए दोस्तों मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सॉरी सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके दोस्तों आपको उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है और अपने PC में इंस्टॉल कर लेना है या फिर आप उसे पोर्टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने उसको यहाँ पे जो कि डाउनलोड कर रखा है पहले से, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यह है दोस्तों, इसको यहाँ पे देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर से दोस्तों आप इजीली डाटा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका पेन ड्राइव ख़राब हो गया है या फिर उसको आप डाटा रिकवर करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सारा वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है जिसे इजी टू यूज है, इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं और इसमें दोस्तों कोई भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस है इस एप्लीकेशन का, इसको मैं फुल स्क्रीन में अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे देखिए डिस्क जीनियस है। यहाँ पे आपके जितने भी पार्टीशन वगैरह बने हैं सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही, Windows D, New Volume G, यानी जितने भी ड्राइव आपके बने हुए सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही। और यहाँ पे नीचे में देखिए देखो USB डिस्क 3.0 58 GB दिखा रहा डाटा, जैसा कि मैंने बताया कि 58 GB का डाटा मेरे इसके अंदर पड़ा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों दो डिस्क यहाँ पे शो कर रहा है, एक डिस्क E शो कर रहा है और डिस्क F शो कर रहा है। इसके अंदर देखिए दोस्तों 476 GB का डाटा हमारे इसके अंदर पड़ा है डिस्क सी के, हमें इसको यूज करना है। ठीक है, अगर मैं इसको यूज करूँ तो यहाँ पे देखिए दो पड़ा है, एक 16 MB का डाटा पड़ा है और एक 57.7 GB का डाटा पड़ा है, दो डाटा है। तो हमें दोस्तों इसके अंदर हमारा डाटा है, इसको मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे देखिए जितने भी फाइल थे सारी फाइल्स ओपन हो गई हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ से इसको ओपन कर रहा था तो यहाँ से मैं उस फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ से देखिए मैं उस फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, USB ड्राइव E और USB ड्राइव F। लेकिन मैं यहाँ से इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें शो कर रही हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों मेरी कुछ वीडियोस हैं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ, मास्टर में ओपन कर रहा हूँ तो मास्टर वीडियोस हैं ये। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं बैक करता हूँ,
यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कुछ वीडियोस हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है कि इसको अपना कॉपी पेस्ट कर लेना है, कुछ भी नहीं करना आपको, रिकवर वगैरह कुछ भी नहीं करना आपको, रिपेयर भी नहीं करना आपको। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको राइट क्लिक करना है और कॉपी टू डेस्कटॉप कर लेना है, या फिर सिलेक्ट ऑल करिए आप। सिंपली जो भी जो जो फोल्डर चाहिए, जो जो डाटा आपको चाहिए सिलेक्ट ऑल करिए, उसके बाद यहाँ पे कॉपी टू डेस्कटॉप कर दीजिए। आपका डेस्कटॉप पे उतना स्पेस खाली रहना चाहिए जितना आपके हार्ड ड्राइव का है या फिर आपके पेन ड्राइव का है। तो यहाँ पे सीधे कॉपी टू डेस्कटॉप करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वीडियो में यहाँ पे आपको कॉपी करके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए मेरे अभी डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है, सॉरी मेरे डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे अभी कुछ फोल्डर्स हैं, यहाँ पे वीडियोस कोई भी आपको नहीं दिखाई दे रहा हो। लेकिन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ये मास्टर वन को, यहाँ पे कॉपी टू डेस्कटॉप करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करंट फाइल है और या ओवरऑल प्रोसेस दिखा रहा है, तो सारा फाइल जो है कि कॉपी होकर हमारे डेस्कटॉप पर चला जाएगा। तो बहुत ही ईजी था दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है और उसके बाद आपको अपना डाटा कॉपी कर लेना है। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसके लिए आपको कोई भी एक रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग का पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है, तो दोस्तों उसको रिकवर कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे देते हैं। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर करप्ट हुआ है तो सिंपल सा तरीका है। अगर आपको रिकवरी करना है तो सिंपली आपको अपना पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव इंसर्ट करना है और इस सॉफ्टवेयर पे जाके आपको रिकवरी चला लेनी है। तो जितना भी डाटा होगा लगभग 95% डाटा आपका रिकवर हो जाएगा। वीडियोस अगर आपके रिकवर नहीं होते, लेकिन फोटोज आपके 100% रिकवर हो जाते हैं। बस ऐसे ही हुआ, एक बार ही फॉर्मेट हुआ, अगर बार बार वो फॉर्मेट हुआ होगा तो दोस्तों ऐसे में बहुत ही कम चांस होता है कि आपका डाटा रिकवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुका है, ओके करते हैं। अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए मेरा दोस्तों यहाँ पे एक मास्टर वीडियो यहाँ पे आ गया है और इसे दोस्तों आप प्ले कर सकते हैं। लगभग 3.6 GB का यह वीडियो है और इसका लेंथ 1.2 यानी 1 घंटे 2 मिनट का लेंथ है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे फीचर हैं, यहाँ पे देखिए पार्टीशन रिकवरी है, अगर आपका दोस्तों कोई पार्टीशन डिलीट हो गया तो उसको भी रिकवर कर सकते हैं, फाइल रिकवरी है या फिर बहुत सारी हैं। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, और ये बहुत ही कमाल की सॉफ्टवेयर और बिल्कुल भी फ्री है दोस्तों। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, बिल्कुल फ्री है और 100% बेहतरीन जो कि यह सॉफ्टवेयर है। और दोस्तों मुझे पहली बार विंडोज़ का कोई सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा पसंद आया है, यानी इतना ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर, वो भी बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।